Tanya, Ishan, Mustafa. आ जाओ बैठ जाओ सब। क्या हो गया मम्मा? तुम्हें रात को तुम्हें नींद आ रही थी सो मम्मा क्या बेड टाइम स्टोरी इधर ही सुनाएं कि चलिए अंदर चलते हैं। हाँ बहुत नींद आ रही है आंखें भी नहीं खोल रही आपको। अभी मैं आपको कुछ सरप्राइज दूँ? ठीक है। अच्छा अभी मेरी आंखें ऐसे खुल गई सरप्राइज। अभी देते हैं वेट। लेकिन अभी नहीं खाना। ओके वन मोर सरप्राइज। क्या क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जब तक मम्मा ये लेकर आ रही है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। वन मोर सरप्राइज। Close your eyes first. Hania, don't cheat. Mom, cheating me kada. Okay, close your eyes. Okay. Hania, don't cheat, okay? Okay. I'm excited. I have closed my eyes. Open your eyes. मुस्कुराई क्यों दिया मम्मा ने आपको? ना मैं खुश नहीं था। आप खुश नहीं थे इसलिए दिया। Now you are happy, very happy. Okay. ईशु मम्मा ने ये सब क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग ने लॉकडाउन में कुछ खाया नहीं था मम्मा ने। हाँ मम्मा ने कुछ नहीं खिलाया लॉकडाउन में तुम लोगों ने। मैं कह रही हूँ लॉकडाउन में हमने कुछ खाया ही नहीं था। बाहर का तो बाहर का इतना सब दिया। ओके ओके चलो ओके एवरीवन ये सब इसलिए दिया आप लोग ने बैग रेडी कर लो। कैसे? टुमारो वी ऑल आर गोइंग टू ड्रीम वर्ल्ड। ओके ओके बाबा बाबा सुबह मिलते हैं। बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। तो हम उठ गए हैं और मम्मा ने हमारी पैकिंग भी कर दी है। फ्रेंड्स वहाँ पे हमें एक रिजॉर्ट मिलेगा बड़ा एक्साइटेड। हम वन नाइट के लिए स्टे करेंगे वहाँ पे और सुबह को निकल जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। हम फुल डे फुल नाइट स्टे करेंगे। बाकी के कपड़ों की पैकिंग तो हो गई। अब पारी थी ट्यूब्स और गॉगल्स की तो हम लोग वो ही पैक कर रहे थे। और हमारे डर्टी क्लोथ्स के लिए मम्मा ने हमें एक टॉट दिया। साथ ही मॉस्किटो रिपेलेंट सैनिटाइजर और मास्क भी ज़रूरी है। एक क्लियर बैग जिसके अंदर मैं अपना फ़ोन रख के अंडर वाटर जा सकती हूँ। Subscribe and say get me more subscribers. You are the part of our video now. Thank you. हो जाएगा subscribe. Thank you. ये लीजिएगा. मैप का नाम ये मैप है.
प्रूफ है, अगर आप अंदर जाएंगे वाटर के अंदर तब भी खराब नहीं होगा। रात को खूब मस्ती करके हम लोग थक के सो गए और फिर सुबह को हम अपने दादी के कमरे में आए। देखो तो कितना बड़ा कमरा है, वहाँ पे हमारे कज़न्स भी उनके साथ रह रहे थे क्योंकि वहाँ पे 2 पोर्शंस थे और यहाँ से हमारे रूम का भी व्यू दिखता था। आए चले मैं आपको टेरेस से दिखाती हूँ कि कैसा दिखता था। देखो कितना बड़ा टेरेस है, यहाँ पे हमारा रूम दिख रहा है। वो देखिए, वो रहा हमारा रूम जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के बाद जाने वाले थे आर्टिफिशियल सी के अंदर। यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय हमारी फैमिली के, और मैं अंडर वाटर जाके देख रही थी, यहाँ का पानी बहुत क्लियर है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। सी देखें कितना क्लियर है यहाँ का वाटर।
आर्टिफिशियल डरपोक सिर्फ इतने गहरे पानी में गई। आर्टिफिशियल सी के बाद हम लोग गए स्पाइरल स्लाइड के ऊपर, जो कि बहुत इंजॉयबल थी। बट एक बात ये थी कि हमें बहुत नीचे से ऊपर चढ़ के आना पड़ता था, वो भी इतनी भारी ट्यूब्स के साथ, जो कि बहुत मुश्किल था। और आप ज़रा ये देखिए, ईशल की ट्यूब तो देखिए आप लोग, कितनी छोटी ट्यूब ला रही है ये चल चल के। उसके बाद हम लोग गए और मैं बहुत एक्साइटेड थी, सो मैं भी आ रही हूँ ऊपर स्लाइड करने के लिए। उसके बाद मैंने अपनी स्लाइड करी और मुझे बहुत मज़ा आया, थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। ये लास्ट स्लाइड थी जिसके बाद हम लोग थोड़ा सा पूल में खेल के वापस आ गए।